एक बादशाह ने एक दफा भरे मजमा में ये ऐलान कर दिया, जो शख्स बता दे कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है, उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर माकूल जवाब ना दे सका तो उसे मरवा डालूंगा, कत्ल करवा डालूंगा। किसी को मजमा में से हिम्मत जुरअत ना हुई, कोई खड़ा ना हुआ। थोड़ी देर के बाद एक अकलमंद आदमी उठा और उसने कहा कि हुजूर, मैं इसका जवाब दूंगा। बादशाह ने कहा, खूब सोच लो, जवाब दुरुस्त तो इनाम मिलेगा, और जवाब माकूल न हुआ, ठीक ठाक न हुआ, दुरुस्त न हुआ तो मरवा डालूंगा। शख्स ने कहा कि हुजूर, मैंने खूब सोच लिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा बताओ, मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? उस अकलमंद आदमी ने कहा कि हुजूर, क्योंकि आप बहुत ही सखी दाता हैं, सखावत करते रहते हैं, माल लुटाते रहते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, लिहाजा आपकी हथेली का बाल दे दे कर घिस गया है। बादशाह मुस्कुराया, कहा, अच्छा फिर तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? उसने कहा कि बादशाह, आप जब भी देते हैं मुझी को देते हैं, तो आपका दे दे कर घिस गया है और मेरा ले लेकर घिस गया है। बादशाह ने मजमा की तरफ इशारा करके कहा, हाजिरीन की तरफ इशारा करके कहा कि आखिर इन लोगों की हथेली पर बाल क्यों नहीं है? उस अकलमंद आदमी ने कहा कि हुजूर, आप जब भी देते हैं मुझी को देते हैं, तो आपका दे देकर घिस गया है, मेरा ले लेकर घिस गया है, और इन लोगों का हसरतो अफसोस में मल मल कर घिस गया है। बादशाह को इसका जवाब बड़ा पसंद आया और उसे मुंह मांगा इनाम दिया, बहुत सी नेमतों से सरफराज फरमाया। बिलाशुबा अकलमंद आदमी अपने दानाई के सबब मुश्किल मोड़ पर काबू पा जाता है और अपने दानाई के सबब अकलमंदी के सबब बहुत से फायदा उठा लेता है।